नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। हिंदू महासभा ने मनाए हिंदू महासभा के संस्थापक भारत रत्न मालवीय की जयंती। जनपद मुजफ्फरनगर के मालवीय चौक पर आज अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश ने किया महान समाज सेवी एवं हिंदू महासभा के संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण। आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय की 160 पुण्यतिथि पर हिंदू महासभा वीरों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय देश के महान क्रांतिकारी एवं समाज सेवक थे। इनके द्वारा समाज के लिए अनेक बहुमूल्य कार्य किए गए। आज उनके कारण ही काशी विश्वविद्यालय सहित अनेक ऐसे विद्यालय हैं जिसमें छात्रों का भविष्य का निर्माण होता है। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा अनेक प्रदेशों में हिंदू महासभा को एक किया गया है और 1915 में इसे अखिल भारत हिंदू महासभा का नाम दिया गया। ऐसे महान समाज सेवक को हिंदू महासभा सत सत नमन करती है और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेती है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता सुरेश कुमार रावत, जिला उपाध्यक्ष प्रशांत त्यागी, जिला प्रभारी सचिन कपूर की युवा, जिला अध्यक्ष राज चौधरी, अंकुर कुमार, विकास रवि कुमार सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विशाल प्रजापति पवन, मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के संस्थापक पंडित मदन मोहन जी को हिंदू महासभा परिवार ने नमन किया है। उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय जी वो समाज सेवक थे जिन्होंने देश के लिए अनेक कार्य किए और भारत को काशी विश्वविद्यालय सहित अनेक ऐसे संस्कृत विद्यालय दिए जो शिक्षा का एक केंद्र बन गए। उनके द्वारा कराए गए अनेक ऐसे कार्य हैं जिससे प्रत्येक भारतीय को उनका नमन करना चाहिए, उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। तो हिंदू महासभा आज संकल्प लेती है कि हिंदू महासभा उनके बताए हुए पदचिन्हों पर चलेगी और देश की सेवा करेगी। जय हिंद, जय भारत।